इसी बस्ती में दिनेश कुमार नाम के जो ये व्यक्ति हैं, ये जो है जी शारीरिक रूप से मतलब विकलांग हैं, इनको भी मतलब यहाँ के जो भी सरकारी कर्मचारी वगैरह हैं यहाँ से गुजरते हैं, फिर भी इन्हें अनदेखा कर देते हैं। इनको मतलब किसी भी प्रकार की सुविधा आज तक नहीं दिया गया, जो कि इनका कंपलसरी है। इन्हें कुछ न कुछ करना तो जरूर चाहिए। और ये अपाहिज है इनका, देखो हाथ पैर भी मतलब ठीक ठाक नहीं गाड़ी है। तक नहीं दिए हैं, क्या नहीं दिए? अच्छा गाड़ी तक नहीं दिए हैं। अच्छा इनका मतलब चलने के लिए जो ट्राईसाइकिल आता है वो अभी नहीं मिला है। अच्छा ठीक है। अच्छा दिनेश जी आप ये बताइए, अभी तक आपने मतलब किसी से कुछ कहा अपने बारे में, मतलब हमारे बहुत पास ही नहीं? कहे हैं, बहुत सारा सबका विधायकों से कहा, प्रधान जी से कहा, सब नेताओं से कहा, लेकिन कोई नेता नहीं, किसी ने अभी तक सुना नहीं? खाली बड़े बड़े आदमी मिला है। अच्छा अगर वोट मांगने के लिए आपके क्षेत्र में कोई आए तो उनसे आपने ये बात कही? भाई कहे थे, बिल्कुल कहे थे, लेकिन वोट मिलेगा, खाली यही आशा मिलेगा, सिर्फ आश्वासन देने के बाद सब चले गए। हाँ हाँ ठीक। और आपका मतलब खाना पीना कैसे चलता है? ऐसे माँ बाप है, ऐसे चलता है किसी प्रकार से कुछ? अरे ये सब आदमी देख क्या ही बताओ, गाड़ी वाली और बैटरी वाली गाड़ी सब विकलांग आदमी, उनका गाड़ी भी लेके आए, कुछ मिले नहीं आए हुए बचाव देख सकता है इसके बाद सरपटरी में। हाँ हाँ नमस्कार। मामपुर वाला यूट्यूब चैनल से मैं अनुभव सिंह बता दें कि आज हम बदलापुर विधानसभा क्षेत्र के सिंगरा मऊ से जुड़ने वाले डहुरा गांव में, यहां पर जो है सरकार द्वारा एक मतलब योजना चलाई गई है कि मतलब कोई भी गरीब परिवार मतलब किसी भी सरकारी सुविधा से वंचित न रहने पाए, सबको मतलब आवास दिया जाए। लेकिन मैं इस गाँव में पहुँचा तो यहाँ पर पीड़ित परिवार जो है इनके पास ये झोपड़ी है, बोले कि हाँ माता जी आप अपना नाम बताइए और अपने गांव का नाम बताइए। अच्छा तो आप इस मतलब आपके पास आवास नहीं है तो इसके लिए किसके किसके पास आप अभी तक जा चुकी हैं? कुछ प्रधान वगैरह से कही हमारे पास मतलब कॉलोनी नहीं है? हाँ हाँ तो क्या कहे? कहा कि हमारे पास ना कॉलोनी। अच्छा मतलब कोई आपके यहाँ मतलब चेक करने के लिए नहीं आया कि आपका दशा देखने के लिए? अच्छा कोई नहीं आया? ठीक ठीक हाँ अच्छा आए हमारे पास। अच्छा वोट मांगने के लिए कोई तो आया होगा, उसके लिए आपने हाँ तो उसके लिए आपने ये नहीं इसका बात उठाया कि हमारे पास रहने का स्थान नहीं, इसके लिए कुछ करो? अच्छा हाँ हाँ कर ही मतलब वोट के समय बस हामी भर कर चले जाते हैं।